भारतीय क्रिकेट टीम के टर्बोनेटर माने जाते हरभजन सिंह आज अमृतसर पहुंचे और अमनदीप अकेडमी में उन्होंने बच्चों के साथ मुलाकात की। वहीं उन्होंने कहा कि अमनदीप अकेडमी के साथ जुड़े हैं तथा उन्हें यहां पर बच्चों को सिखाने का मौका मिला है। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुभम गिल की परफॉर्मेंस की प्रशंसा की। वहीं खेल रत्न के लिए नाम न आने पर उन्होंने कहा कि उनका नाम लेट भेजा गया था। बहुत लेट गया था तो नाम जो नाम ठीक टाइम पे गया होता तो शायद अवार्ड भी मिल जाता। पर देखिए मेरा काम से खेलना और मैं जिन्ना खेलिया बड़े उदे नाल खेलिया दिल नाल और बाकी डिपार्टमेंट के काम होंगे कि कदों फाइल जानी चाहिए कदों नहीं। ओबियसली वो कुछ अणदेखी हुई और मिनिस्टर साहब ने भी क्या सीगा कि ये बारे गल की जाएगी हूँ कि गल हुई किन्नी गल हुई है मैं नहीं जानता बट मेरे नाल हो गया कोई गल नहीं बट अगर किसी होर प्लेयर के नाल नहीं होना चाहिए। बाबे का मेरे वीरता बहुत कुछ है अवार्ड लैके मैं बहुत वड्डा नहीं हो जाना सी बट कई प्लेयर के लिए अवार्ड बड़ी वड्डी चीज़ हो सकती है तो मैं सरकार को ही दोबारा कहूँगा कि किसी भी प्लेयर लिए अगर तो जो किसी का नाम तुम प्रजेंट कर रहे हो वो टाइम से चल मैं जी जो जो मैं पंजाब आवाँगा मैं जरूर आवाँगा और मैं तुम तुम दस दिया मैं कुछ समा मैं बॉम्बे के लेना आ क्योंकि मेरी फैमिली उ है मेरी वाइफ की बेटी और कुछ कुछ समा फिर मैं जो पंजाब आना तो फिर मैं जो ट्रेनिंग करनी शुरू करता हूँ तो मैं जलंधर ही होना और जो मैं जलंधर आवाँगा अमृतसर इज़ लाइक माई सैकेंड होम तो मैं उतरता तो मैं इतने ही हाँ दो चार दिन मैं इतने भी ट्रेनिंग करके जाया करा सारे इतने आ क्योंकि बड़ा बड़ा दिन है साढ़े सारे के लिए कि असी इस अकैडमी के नाल जुड़े हैं डॉक्टर साहब ने सानू मौका दिता इन्नी वधिया फैसिलिटीज के आके असं बच्चे ट्रेन कर सकेंगे तो मेरे लिए बड़े मान की गल है कि मैं कुछ क्रिकेट को वापस दे सकता और क्रिकेट ने मैं जिंदगी सब कुछ दिता और आज मैं जो हाँ उस क्रिकेट की बदौलत हाँ और मैं जरूर चाहवागा कि जो मैनू कुछ भी मिले या मैं थोड़े बहुत जो गुर आते हैं वो जरूर बच्चों अगर वो मदद हो सकती है तो वो अगे बदन अपना कैरियर और बैटर कर सकन। और दूसरी गल एक बड़े लोग मैं पूछते जो मैं पंजाब तो बाहर हूँ या कि तो पंजाब तो प्लेयर नहीं आ रहे क्रिकेट प्लेयर पलो कबड्डी के भी बड़े प्लेयर आते हैं कोच भी बड़े आते थे ओवरऑल देखिए तो हरियाणा साढ़े तो अगे निकल गया पंजाब ने जिड़िया खेडा सी हरियाणा बहुत अगे निकल गया तो हमने हमने पंजाब सरकार ने भी मेरे एक जुम्मा लगाया कि एक कमेटी बनाई है वो मेरे पांच मैंबर चुने गया कि पंजाब की ओवरऑल स्पोर्ट्स को कितना उपर लेके जाएगा तो यह भी एक मुहिम है कि जी असी अकैडमी के थ्रू क्रिकेट को उपर लेके आना क्योंकि जो मैं क्रिकेट खेलनी शुरू की थी मेरे को फैसिलिटीज नहीं सी ग्राउंड लाइट लगियाँ पिचेस जो रेडी मिलनियाँ कोचिस जोड़े है वो क्वालिफाइड कोचिस मिलन या फिर एडवांस ट्रेनिंग जी जिद्द साइंस भी इनवॉल्व है वो वाली ट्रेनिंग साढ़े टाइम तो मौजूद नहीं सी पर हूँ ये सब कुछ जोड़ा इतने प्रोवाइड किया गया है वो डॉक्टर साहब को तो मैं पहले मुबारकबाद देवगा और दूसरा शुकराना भी करा कि तुम गेम लिए इन्ना सोच रहे हो और मेरे लिए यह बड़ी वही गल है कि इन्होंने साड़ी अकैडमी को चुने कि इतने आके साड़ी अकैडमी के अगर बच्चे असी तैयार करके कुछ बच्चे पंजाब लिए खेलन और पंजाब तो बाद इंडिया लिए खेलन तो मेरे लिए बड़ी मान की गल होगी फख्र की गल होगी और मैं ये मान नहीं सकता कि पंजाब च प्लेयर नहीं है पंजाब च जरूर टैलेंट है और बहुत बड़ा टैलेंट है उन्होंने पछाणन की लोड़ है और शायद जी इंस्टीट्यूशन असं खोल रहे हैं वो यही काम करेंगे कि टैलेंट को असं लैके आवेंगे अगे वो मेहनत करावे और मुद्दा एक ही है कि प्लेयर इतों इंडिया लिए खेलन कंट्री को रिप्रजेंट कर चाहे वह क्रिकेट की गल हो फिर पंजाब सरकार ने जोड़े भी मैं स्पोर्ट्स के मैनू लगाएंगे चाहे वह किसी भी स्पोर्ट्स में उत्ते लैके आने की जी जिम्मेवारी दी जाएगी मैं जरूर कोशिश कराँगा तो एक बार फिर थोड़े सारे का मैं शुकराना करना चाहूँगा कि तुम आए हैं बड़े वो वी नीड योर ब्लैसिंग वी नीड योर सपोर्ट टू बी विद अस एंड गिव अस द पावर टू कैरी ऑन एंड गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स तो बड़ी मान की गल है खुशी की गल है कि अमृतसर वर्गे वे शहर के सूँ मौका मिले और फैसिलिटी सूँ इतने तैयार करने की लड़ नहीं पी और शायद मैं कहूँगा कि ये साडा सब तो वजी सेंटर होएगा जिद लाइट्स भी हैं तो इतने काफ़ी मैचेस भी करवा सकते डे नाइट भी मैचेस करवा सकते तो कोशिश यही है कि थोड़े थोड़े समय बाद असी इन होर ग्रो करते जाए ना नॉट जस्ट इन पंजाब बट एवरीवेयर वेयर एवर वी कैन।
जागृति लहर के लिए अमृतसर से अमन महल की रिपोर्ट।